हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यासर अफरीदी व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग मैं सुबह फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मंडे है और अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल, और देखते हैं क्या स्कूल में हमारा दिन कैसे गुजरता है और फिर स्कूल आने के बाद क्या करते हैं। तो चलो सबसे पहले चलते हैं स्कूल। तो ये तो अभी मैं स्कूल पहुँच गया हूँ, लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, 15 मिनट्स है। तो अभी जो है ना गेट ओपन नहीं हुए, अभी गेट ओपन होंगे तो फिर अंदर जाएंगे। हमारे स्कूल की ट्रॉफीज है, उन्हें जीती है। देखे बास्केटबॉल्स में बहुत ज़्यादा जीती इन लोगों ने। और ये नीचे जो है फुटबॉल है, सॉकर। ये देखे तो ये जो है ना स्कूल की दूसरी ये पेंटिंग जरा देखे, ये और ये भी है, ये बच्चों ने बनाई हुई है, ये सारी, ये सामने भी है, ये देखें। लैंग्वेज में इन लोगों ने जो है ना वेलकम लिखी हुई है, ये वेलकम भाई मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी लैंग्वेज है, लेकिन ये ऊपर वाली समझ आ रही है सिर्फ, ये इंग्लिश में जो लिखे है कि वेलकम। और ये जो ना मेन एंट्रेंस है हमारे स्कूल का, और ये भी देखिए ये खुशामदीद, देखे उर्दू में भी लिखा है खुशामदीद, सारी लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो ये अभी हमारा ब्रेक हो गया है, तो मैं स्कूल से ज़रा बाहर आ गया हूँ। मैंने जो है क्लिप बनाई है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा शोर आया है स्कूल में, तो अभी मैं बाहर आ गया हूँ, पेप्सी पी रहा हूँ। ब्रेक टाइम है, 40 मिनट्स का ब्रेक होता है। तो अभी कोई जो है ना जा रहे घर, ये देखें बच्चे घर जा रहे हैं, कोई स्कूल में अंदर रह रहे हैं, ये देखिए बस। तो अभी मैं और अफानी जो है ना जहीर फिर से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में तो हम बोर हो गए, तो बाहर जाते हैं। तो वो जो है अपना लंच रख रहा है और फिर वापस आएगा। तब तक के लिए हम ये देखे, ये बाहर का जगह है, दूसरा ग्राउंड है हमारे पीछे साइड पे, और ये पार्किंग है गाड़ियों की। तो अब ये मेरी हो गई है छुट्टी, और अभी मैं जा रहा हूँ वापस। और आज स्कूल में बहुत मज़ा भी आया है आज जो है ना, और मैथ्स का टेस्ट था लेकिन बहुत ज़्यादा इजी था, ऑनलाइन था 30 मिनट्स का, तो वो वाला भी बहुत इजी हो गया। तो अब चलते हैं घर, तो घर में फिर देखें क्या करना है। तो अभी मैं और मेरे फादर जा रहे हैं बार्बर शॉप, कट करनी है मेरे फादर को, तो चलो चलते हैं, आपको मैं शॉप भी दिखा दूँगा किस तरह है। तो चलो मेरे फादर भी सामने जा रहे हैं। चलो मिलते हैं फिर। तो ये जो है ना हम पहुंच गए हैं शॉप पे, नाई की शॉप पे। तो अभी मेरे फादर काटेंगे उनके बाल जो है ना, थोड़ी सेटिंग वेटिंग करेंगे। तो ये कौन सा वाला है मुझे तो पता भी नहीं कौन सा वाला है, ये वाला है कि ये वाला है, एक तो वो वाला भी है लेकिन वो नेल्स वाला है मेरे ख्याल से, अभी दूसरा पता नहीं कि दूसरा कौन सा वाला है। तो ये है शॉप शायद, हाँ हेयर कट्स है और कलर है और हाइलाइट्स है, तो ये है। तो चलो अब चलते हैं इसके अंदर, देखेंगे क्या जिस तरह कटिंग होती है इनकी। तो हेयर कट तो हो गया लेकिन कुछ मज़ा नहीं था, और बस सिंपल कटिंग कर दी और $23 ले लिए। फिर मैं बस 5 मिनट में जो है ना सारा काम कर दिया और $23 ले लिए, और मतलब अच्छा भी नहीं किया, बस मज़ा नहीं आया।
मैं भी करने वाला था, लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने कहा छोड़ देते, नहीं करना, इसलिए मैंने भी नहीं किया। तो ये मैं और जुल्किफल जो है ना जा रहे हैं शॉप पर, थोड़ी चीज़ें लेनी है, मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी है, और घर में टमाटर ख़त्म हो गए थे तो वो भी लेकर आने हैं। तो चलो चलते हैं शॉप पर, यही पास वाले में चलते हैं जो हमारे साथ नज़दीक है, साउथ गेट नहीं है तो इसमें चलते हैं। यार वैसे कनाडा में बात है कि चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन जितनी एक्सपेंसिव है उतनी मतलब उनको मिलती हुई पैसे है। अभी जो है ना हमने सारा बाल काटे तो पाँच मिनट में जो है ना बाल काट दिए और $23 ले लिए, ये पाकिस्तानी जो है ना यही कुछ 4,000 रुपये बनते हैं। तो देखिए एक मिनट में जो है ना 4,000 रुपये ले रही है उस 5 मिनट में, तो ये बड़ी रकम है। तो चलो चलते हैं इसके अंदर। तो ये हो गए हैं हम अंदर। तो ये हम अंदर अब जाते हैं। तो चलो कहाँ जाना है हमको, ये देखे बाइक देखे। तो ये हम आ गए हैं मॉल के अंदर, और अब मुझे पता नहीं कि मुझे लेना क्या है, तो शॉप के अंदर जाकर पता चलेगा कि क्या लेना है। तो चलो चलते हैं अंदर। ये तो हम शॉप के अंदर आ गए हैं, और अब क्या लेना है देखते हैं कि क्या लेना है, क्योंकि अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं तो किसी और चीज़ के पीछे आया था, लेकिन अभी ये देखा तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें थोड़ा घूमते हैं, कुछ पसंद आया तो वो ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं हमारे काम की। दूसरी साइड पे देखते हैं, वो फुटबॉल की, वो फुटबॉल नहीं जिपे फुटबॉल रख लो, फुटबॉल का प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया क्योंकि फिर जो है ना हद घर में मसले करता है, मसले पैदा कर देते, तो इसलिए फुटबॉल नहीं लेते। मैं जो है अपने लिए कुछ टोपियाँ ले लेता हूँ, कैप्स देखता हूँ, अगर पसंद आई तो कैप्स ले लेता हूँ। ये तो सारी गर्ल्स की है, देखे मेरी वाली नहीं है। तो ये हम बाहर आ गए, और मैंने जो है अपने लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले ली, और अब चलते हैं दूसरे शॉप पे। चलो चलते हैं इस साइड पे चलेंगे। तो एक है कुड्डू, कुड्डू क्या है पता नहीं क्या है, चलो चलते हैं। और यहाँ पर जो है ना ये आईफोन का सेल भी लगा हुआ, सारे आईफोन है पता नहीं क्या कर। तो बाहर चलते हैं और ये देखें। तो ये अभी हम आ गए हैं बाहर, और मेरे जो है ना सामने दूसरा शॉप, तो उसमें जो ना भी हमें ले लेने हैं टमाटर। तो चलो उसमें चलते हैं, देखते हैं अगर उसमें कुछ कुछ चीज़ जो है ना पसंद आ गई तो वो ले लेते हैं। तो चले, आज सुबह जो है ना सर्दी बहुत ही, अभी सर्दी इतनी नहीं हो रही, अभी जो है ना मौसम थोड़ा सही हो गया है, लेकिन सुबह सर्दी बहुत ही, कल भी सर्दी थी बहुत ज़्यादा, इसलिए कल मैं कहीं गया भी नहीं था, ब्लॉग भी सही से नहीं बना, लेकिन आज मौसम अच्छा है। तो ये तो टमाटर भी हो गए हैं, बस और तो कुछ चीज़ें भी नहीं चाहिए थी, इसलिए अब घर चलते हैं वापस। चलो फिर घर में मिलते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी बॉक्सेस लगी हुई है, डस्टबिन जो है ना, डस्टबिन है, तो इसमें जो है ना लोग रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स डालते हैं, जिस तरह की बॉटल्स हो गई है और बॉक्स हो गई, तो वो डालते पर उनको रिसाइकल करते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर जाते हैं। और यहाँ पर जो ना मतलब पैसे नहीं देते वापस में, बस आपने जो है ना जिसके घर में ऐसे पड़ी हो तो वह लेकर आते यहाँ पर डाल देते हैं, और इसके पैसे नहीं मिलते मतलब। तो ये देखें, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जो है एनवायरनमेंट भी बचा रहता है और चीज़ें भी रिसाइकल होती है। तो ये अभी जो है मैं मार्केट से आ रहा था, तो मैंने जो है ना पार्किंग में थोड़े इंडियंस जो है ना इंडियंस है, तो उनको खेलते हुए देखा क्रिकेट, तो मैंने
कहा कि चलो सामान रखता हूँ, अभी साथ उनके साथ थोड़ा क्रिकेट खेलते हैं। तो अभी जा रहे ग्राउंड, उनके साथ थोड़ा क्रिकेट खेलेंगे। और परसों भी मैंने खेला था, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, इनके अभी मैच चल रहा है। वही मैच खत्म हो जाए, पेरेंट्स से कहते हैं कि हमें भी खेलना है, फिर देख देख के लेते हैं कि नहीं लेते। मैंने पिछली बार तो लिया था, ये देख बहुत अच्छा यार मैच हो रहा है। ये हमारी बैटिंग है और जुल्केफर वालों जो ना टीम की बॉलिंग, वो बॉलिंग कर रहे हैं, देखते कौन जीतता है। तो गाइस मैंने इनके साथ खेला और मुझे बहुत मज़ा आया। ये बहुत ही पोलाइट थे और मतलब बहुत ही अच्छा ट्रीट किया मुझे। बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं दिलाया कि हम जो ना इंडिया और पाकिस्तान में जिस तरह लड़ाई होती है उस तरह बिल्कुल नहीं थे। बहुत ही अच्छा लगा इनके साथ खेल कर, और इंशाल्लाह ये जब भी आएंगे तो इनके साथ हम खेलेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो गाइस इस ब्लॉग को यहाँ पर करता हूँ ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।